चुनावी दंगल के बीच देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासी तपीश बढ़ा दी है। चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। दरअसल ठाकरे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के सिलोड सीट पर आयोजित रैली में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में नई चर्चाएं भी शुरू हो गयी। ठाकरे ने कहा कि वे बीजेपी के नेताओं से चर्चा करने को तैयार हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए तैयार हैं। क्या महाराष्ट्र में फिर से एक नए समीकरण बनने वाले हैं? हालांकि उद्धव ठाकरे को फिर से साथ लेने के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऑफर को ठुकराते हुए दावा किया कि एनडीए गठबंधन को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फडणवीस के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में दो तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहली चर्चा बीजेपी की रणनीति को लेकर और दूसरी चर्चा उद्धव की राजनीति को लेकर। पहला सवाल, क्या उद्धव लौट सकते हैं? 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी। दोनों पार्टियों के गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी मिला, लेकिन सीएम को लेकर तनातनी हो गई। उद्धव ने शिवसेना के सीएम बनाए जाने की बात को लेकर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव सरकार में शामिल हो गए। दो साल तक शिवसेना में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2002 के जून महीने में एकनाथ शिंदे ने 140 विधायक के साथ बगावत कर दी। शिंदे इन विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, जिससे उद्धव की सरकार चली गई। शिवसेना की टूट के एक साल बाद एनसीपी में भी टूट हो गई। 2024 के चुनाव में उद्धव कांग्रेस और शरद की पार्टी के साथ मैदान में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उद्धव इन्हीं दोनों पार्टियों के साथ मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो गया। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर उद्धव गठबंधन की सरकार बनती है और सीएम को लेकर पैच फंसता है तो कुछ भी हो सकता है। उद्धव जाएंगे या नहीं, यह तस्वीर 23 नवंबर के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों दे रही है संकेत? बीच चुनाव में उद्धव की वापसी का संकेत भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है, यह भी चर्चा में है। दरअसल 2019 के बाद से ही बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन को अननेचुरल बताने की कवायद में जुटी है। बीजेपी शिवसेना के कोर वोटरों में यह संदेश देना चाह रही है कि उद्धव अपने हितों के लिए ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन में है जिससे उनके विचार भी नहीं मिलते। हाल ही में पीएम मोदी और अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा था कि कांग्रेस के लोग बाला साहेब ठाकरे की जय क्यों नहीं बोलते। कहा जा रहा है कि बीजेपी उद्धव के प्रति सिंपैथी दिखाकर उनके कोर वोटरों को साधना चाहती है। वर्तमान में बाला साहेब के विरासत को अपने पक्ष में रखने के लिए बीजेपी ने एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं। इनमें शिंदे के साथ गठबंधन है और राज ठाकरे के साथ सियासी समझौते शामिल। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 30 साल से किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है। हर बार पार्टी गठबंधन के बूते ही सरकार में आई है। कई वर्तमान में एक तरफ एनडीए से गठबंधन मैदान में है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रदेश में 9.70 करोड़ से अधिक वोटर हैं और 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी महाविकास अघाड़ी को मिलेगी या महायुति की सरकारी रिपोर्ट होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी।